मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स में 2 बार 115 नंबर के ऊपर स्कोर किया है और आईएफओएस की कट ऑफ भी क्लियर करी है, बट मैंने ऐसा कैसे किया जानेंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं एकदम अच्छा हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो मेरी कौन सी स्ट्रैटेजी थी जिसकी वजह से मैं 2 बार 115 के ऊपर स्कोर कर पाया सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम में। मैं आपको इस वीडियो में एग्जैक्टली बताऊंगा, डिटेल में अपने लैपटॉप पे रियल टाइम में शो करूंगा कि मैंने कौन कौन से मॉक टेस्ट लगाए, कब कब लगाए, कितनी बार लगाए, कहाँ से लगाए। मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगा इस वीडियो में, तो आप इसको एंड तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फ्रेंड्स, आप पहले आ जाओ गूगल पे और यहाँ पे टाइप करो फ्री यूपीएससी मटेरियल्स, ये यहाँ पे क्लिक करो एंड यहाँ पर आपकी जो पहली लिंक है उसको खोलो, फ्री यूपीएससी मटेरियल्स डॉट कॉम। इसमें आपको ढेरों मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। प्रीलिम्स पे जाओ, इस पर क्लिक करो। प्रीलिम्स पे, प्रीलिम्स पे आके आप जो लेटेस्ट मॉक टेस्ट हैं जो भी रिलीज़ किए गए हैं विद सोल्यूशंस, आपको ट्रेंडिंग नाउ पे भी दिख जाएंगे जो लेटेस्ट हैं। जैसे विजन आईएएस का है प्रीलिम्स 2024 के लिए टेस्ट 1 विद सोल्यूशंस। इसको एक बार हम चेक करते हैं खोल के कि कैसे खुलता है ये। हमने बस इसको यहाँ पे क्लिक करा। ये आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं और लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। इस तरह से पेज खुल जाएगा आपका। ये आप देख सकते हैं कितना रिसेंट है, ये जून का है, 20 जून का है ये, 2023 का। ये टेस्ट 1 है विद सोल्यूशंस। अब देखो, टेस्ट 1 क्वेश्चंस आपके डाउनलोड पीडीएफ यहाँ से आ जाएंगे, सोल्यूशंस आपके डाउनलोड पीडीएफ आप करेंगे तो पूरे सोल्यूशंस भी आ जाएंगे। मैं आपको सोल्यूशंस दिखाता हूँ। इस पर क्लिक किया, पीडीएफ फाइल बन के आती है। ये आ गई आपकी पीडीएफ फाइल एंड ये आपके सारे सोल्यूशंस आ गए विद एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपका मटेरियल बनेगा प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए। ये जो एक्सप्लेनेशन आपको दिख रहा है, ये आपका मटेरियल बनेगा। जैसे 7th का आंसर डी है एंड पूरा एक्सप्लेनेशन है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है 2-3 बार। ये आपका एक्सप्लेनेशन है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन कौन सी होती हैं, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ये सब इस तरह से। एंड क्वेश्चन 8th जैसे है, तो इस पर आप स्वरण सिंह कमेटी के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। ये आपका मटीरियल, ये आपका बेस बनेगा। बार बार आप इसको 2-3 बार आप रीड करोगे इस क्वेश्चन को, इस मॉक टेस्ट को आप 2 बार लगाओगे, 3 बार लगाओगे और ये वाला आंसर आप बार बार देखोगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। ये आपका बेस तैयार होगा, इससे मॉक टेस्ट से ही आपका बेस तैयार होएगा। फाउंडेशन तो एनसीईआरटी से तैयार होगी, बट जो बेस है आपका वो आपको इस तरह के आंसर्स को रीड करने से, 2-3 बार आप रीड करोगे उसी से आपको क्लैरिटी आएगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। इस तरह से आपको पूरा का पूरा ये अच्छे से लर्न करना है। ये जो सोल्यूशंस हैं, पहले आपको टेस्ट लगाना है, उसके बाद आपको ये सोल्यूशंस वाली बुकलेट खोलनी है पीडीएफ। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल फ़ोन में, इसको डाउनलोड पर क्लिक करके। राइट, अब देखते हैं और क्या क्या है इस वेबसाइट पर। ट्रेंडिंग नाउ पर तो आपको मिल ही जाएगा, एक मोस्ट पॉपुलर डाउनलोड्स हैं यहाँ पे विजन आईएएस के कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारे मटेरियल्स हैं यहाँ पे। बट हम फोकस कर रहे हैं मॉक टेस्ट पे, तो हम जाएंगे अब टेस्ट सीरीज़ पे एंड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2024 पे हम क्लिक करेंगे। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2024 में हम देखेंगे कौन कौन से अपलोड हो चुके हैं टेस्ट। इस पर आप देख सकते हैं विजन आईएएस के टेस्ट 2 भी है, 1 तो हमने देख लिया, 2 भी है, 3 भी है विद सोल्यूशन एंड 4 भी है। तो ये 4 टेस्ट तो आपको मिल रहे हैं विजन के। विजन आईएएस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी क्या आपको 2024 के लिखा है, कमिंग सून, इसका मतलब है कि 2024 के नहीं आए हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम क्या करेंगे, हम प्रीलिम्स 2023 टेस्ट सीरीज खोलेंगे और पहले हम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 में जितने भी हैं हम ये सारे कर डालेंगे, सारे के सारे टेस्ट, सारे के सारे मॉक टेस्ट जो हैं ये अच्छे वाले विजन आईएएस के। आपको दिख रहे हैं कितने सारे हैं, सीसैट भी है। चलो सीसैट की बात हम बाद में करेंगे, बाद में बात करेंगे इसकी, अभी हम जनरल स्टडीज़ पर फोकस कर रहे हैं इस वीडियो पर। आप जनरल स्टडीज़ के ढेरों टेस्ट कर सकते हो, जैसे ये वाला है टेस्ट 18 विद सोल्यूशंस। मान लो हमने इसको क्लिक किया, आपको धीरे धीरे करके ना सारे डाउनलोड करने हैं एंड 1 बाय 1 आपको सारे टेस्ट लगाने हैं, ये मॉक टेस्ट जितने भी हैं ना, ये मॉक टेस्ट। बस ऐसे ही जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था वैसे ही आपको डाउनलोड पीडीएफ करना है एंड सोल्यूशंस के लिए भी आपको डाउनलोड पीडीएफ करना है। आपके पास सोल्यूशंस भी रेडीमेड आ जाएंगे एंड आप उन सोल्यूशंस को 2-3 बार रीड करेंगे एंड अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये आपका मटीरियल है, एक तरह से अपने मॉक टेस्ट सीरीज को मटीरियल की तरह ही आपको ट्रीट करना है। और जैसे ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 है ना, इसमें आप विजन आईएएस के तो सारे डाउनलोड मार लो एंड एक एक करके करो। नीचे विजन आईएएस के देखिए कितने सारे हिंदी में भी हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी वाले डाउनलोड करेंगे एंड एक एक करके सारे टेस्ट लगाएंगे विजन आईएएस के। फिर ये जीएस स्कोर का रहने दीजिए, इनसाइट आईएएस का रहने दीजिए, शंकर के आप कर सकते हैं, शंकर आईएएस के मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, जितने आपको लगाने हैं लगा सकते हैं आप शंकर के। इसके भी विद सोल्यूशंस पीडीएफ अवेलेबल है। राउज आईएएस के भी लगा सकते हैं, केएसजी के भी लगा सकते हैं। तो जितने भी आपको यहाँ पे टेस्ट दिख रहे हैं आप विद सोल्यूशंस वाले, इन सबको डाउनलोड मारेंगे, केएसजी के, राउज आईएएस के, शंकर आईएएस के एंड विजन आईएएस के तो मारने ही मारने हैं आपको।
विजन आई एस के सारे डाउनलोड मारने हैं और अच्छे से करने हैं, सारे मॉक टेस्ट अच्छे से लगाने हैं। मैंने भी ऐसे किया था, मैं खूब सारे मॉक टेस्ट देता था एंड उसी से मेरा स्कोर इंप्रूव होता चला गया प्रीलिम्स। अगर आपको अभी तक का मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, सो प्लीज़ प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एक्चुअली इट हेल्प्स द यूट्यूब एल्गोरिदम एंड यूट्यूब विल शो दिस वीडियो टू अ लार्जर ऑडियंस, एंड मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने मेहनत से वीडियो बनाई है, सो उस पर लाइक्स आ रहे हैं। तो प्लीज़ यू आर वेरी काइंड, प्लीज़ शो मी योर लव एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। तो अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे, खूब सारे जितने हो सकते हैं उतने मॉक टेस्ट लगाएंगे, बार बार रिवाइज करेंगे उनको, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा चांस होगा कि आप क्रैक कर लोगे 2024 का जो प्रीलिम्स होगा। जब आप 2023 की टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लो ना, ये जो मैंने आपको बताए हैं स्पेसिफिक डाउनलोड्स, विजन IAS, राउज IAS, शंकर IAS, KSG, ये सब जब आप कर लोगे ना, इसमें आपको काफ़ी समय लग जाएगा करने में। एक एक करके आप ढंग से करो 2023 के जितने भी आपके पास मॉक टेस्ट हैं जो आपको इस पेज पर दिख रहे हैं। जब ये हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, जब ये हो जाएगा तब ना यहाँ पर अपडेट आ जाएगी, 2024 की जो टेस्ट सीरीज है ये अपडेट हो जाएगी। तब तक तो और ज़्यादा मॉक टेस्ट ऐड हो जाएंगे 2024 में, 2024 टेस्ट सीरीज़ में एक दो महीने बाद बहुत सारे यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगी ये जो लिस्ट है ना विजन IAS की। तो आप इनको भी एकदम लेटेस्ट वाले जो टेस्ट होंगे आप फ्री में इनको भी डाउनलोड करके आप वन बाय वन हर दिन एक एक टेस्ट उठा के आप कर सकते हो एंड उसको सेकेंड हाफ ऑफ द डे में उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, लर्न कर सकते हो उसके आंसर्स को। इस तरह से शंकर, फोरम, इनसाइट, इनके भी यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगे, अभी तो कमिंग सून लिखा है। तो एक एक करके लेटेस्ट टेस्ट जो होंगे ना इनके, ये भी आप डाउनलोड करिएगा एंड अच्छे से लगाइएगा। तो ये आपकी ना बेस तैयार हो जाएगी जो एकदम करंट एस्पेक्ट पे बेस्ड है, क्योंकि करंट अफेयर्स भी हैं इसमें और मोस्ट रिसेंट और रेलिवेंट जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन भी होंगे। तो आपका बहुत अच्छा एक बेस तैयार हो जाएगा। फाउंडेशन तो आपका NCERT रहेगा, डोंट गेट मी रॉन्ग, आपको NCERTs और बेसिक बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत, GC लियोंग, बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, है ना, वो सब तो आपको पता ही है, बुक लिस्ट तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही रखी है। तो वो तो बेस तो आपका फाउंडेशन जो है वो तो वही रहेगा, लेकिन जो बेस है, जो स्टडी मटेरियल बेस होता है, वो आप इन टेस्ट सीरीज के जो आंसर्स हैं उनके थ्रू आप अपना डेवलप कर सकते हो बेस। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप 2 से 3 बार हर टेस्ट को करिए, 2 से 3 बार आप रिवाइज करिए आंसर्स को एंड इसमें आपके कई महीने बीत जाएंगे, 2, 3, 4 महीने आपके बीत जाएंगे इसी में, इसी एक्सरसाइज में। एंड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स एंड जनरल स्टडीज़ दोनों आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं। मॉक टेस्ट खूब सारे लगाते हैं, मोस्टली विजन के काफ़ी वेल रिसर्च रहते हैं, विजन के खूब सारे मॉक टेस्ट फ्री में यहाँ से आप लगाते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी लगा सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी लगा सकते हैं। तो आप अगर आपने ध्यान से देखा हो, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है अभी लैपटॉप पे, उसमें अराउंड 75 टेस्ट हैं 2023 टेस्ट सीरीज़ में, 75 टेस्ट के ऊपर ही हैं, तो 75 मान के चलते हैं, 75 टेस्ट उसमें हैं और 75 टेस्ट के अराउंड ही आपको 2024 की टेस्ट सीरीज़ जब खुलेगी, जो कमिंग सून आपको दिख रहा था, जब वो ग्रेजुअली खुलेगी आपको अराउंड 75 टेस्ट वहाँ पे भी मिल जाएंगे। एंड 10 टेस्ट तो आप करोगे ही प्रीवियस ईयर, जो 10 ईयर्स के हम लोग करते हैं सॉल्ट वाले, प्रीवियस 10 ईयर्स UPSC जो टेस्ट आप लोग करते हो, तो 75 + 75 + 10 मतलब कि 160 टेस्ट आपके पास हैं। एंड अराउंड 2 टेस्ट पर डे तो हम लोग लगाते ही हैं, 2 टेस्ट पर डे मतलब कि 4 आवर्स का टेस्ट, आप 2 टेस्ट दोगे 4 आवर्स लगेंगे, एंड उसका रिव्यू, रिविजन, लर्निंग वो सब भी करोगे तो उसमें 5 से 7 आवर्स और लगेंगे, तो आपका पूरा दिन कंज्यूम हो जाएगा। तो 2 टेस्ट पर डे आपको देने हैं, टोटल हैं 160 टेस्ट, मतलब कि 80 डेज आपके कंज्यूम हो गए। बट आपको यहाँ रुकना नहीं है, 80 डेज आपके कंज्यूम तो हो गए मॉक टेस्ट में, लेकिन आपको रुकना नहीं है यहाँ पर, आपको रिव्यू भी तो करना है, आपको दोबारा से विजिट करना है ना, वो जो सोल्यूशन हैं मैंने आपको बताया था ना कि एक बार और आपको विजिट करने हैं सोल्यूशन। तो अब जब आप रिविजिट करोगे सोल्यूशन को, अब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, अब आपकी स्पीड डबल हो जाएगी, तो अब आप 4 पेपर्स को एक साथ रिव्यू कर सकते हो। इसका मतलब है कि अगर आपको पहले 160 टेस्ट करने में 80 डेज लग रहे थे ना, अब आपको 40 डेज लगेंगे। समझ में आ गया आपको? पहले 80 डेज में आपने 160 टेस्ट करे, अब आप 40 डेज में सबको रिवाइज भी कर डालोगे, तो 80 + 40 कितना होता है 120। तो 120 डेज मतलब मैं लगभग आपको सही बता रहा था कि 4 मंथ्स की एक्सरसाइज है ये 120 डेज की, प्लस आपका फाउंडेशन, NCERTs पढ़ रहे हो, GC लियोंग टाइप की बुक्स, लक्ष्मीकांत टाइप की बुक्स, है ना, स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा, ये सब तो आप पढ़ ही रहे हो, इसमें भी 3 to 4 मंथ्स आपको लगेंगे, आप साथ के साथ ही करोगे, टेस्ट भी दोगे, आप रिवाइज करोगे अपनी बुक्स में से, लक्ष्मीकांत में से, NCERTs में से, फिर आप टेस्ट भी कर रहे हो, रिवाइज भी कर रहे हो, तो लगभग ऑन एन एवरेज में अगर लगाऊं तो 3 to 4 मंथ्स आपके इसमें भी लगेंगे फाउंडेशन कोर्स पूरा करने में अपना। 4 मंथ्स हो गया आपका मॉक टेस्ट, खूब सारे मॉक टेस्ट जो आपने दिए एंड रिवाइज भी करे, दैट इज वाई 120 डेज। तो इस वजह से आपका 4 मंथ्स + 4 मंथ्स है ना, मतलब 8 मंथ्स हो गया। तो अगर आप सितंबर से स्टार्ट करोगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल है ना, अप्रैल तक, अप्रैल एंड तक आपका ये हो जाएगा। एंड इस बार 26 मई का है ना पेपर, 26 मई को प्रीलिम्स 2024 है, तो यू विल बी रेडी बाय देन। तो अप्रैल के महीने में ना, मिड अप्रैल टू मिड मई, मिड मई, इस एक महीने में ना
आप विजन का अभ्यास टेस्ट सीरीज या कोई सा भी 2 या 3 टेस्ट ना सेंटर पे जाके दे देना, ठीक है, एकदम एक्चुअल टेस्ट एनवायरनमेंट में जाकर, गर्मी के दिनों में पंखा भी ढंग से ऊपर चल नहीं रहा होगा, ऐसे एनवायरनमेंट में जाके ओएमआर शीट भरने का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। 2 या 3 टेस्ट आप दे देना अप्रैल एंड अर्ली मई में। फिर 26 मई को आपका डी डे होगा, आपका एग्जाम होगा, एंड उसके लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए, खूब सारे अपने मॉक टेस्ट भी लगा लिए, आपका फाउंडेशन भी स्ट्रांग है, एंड आपने एक्चुअली टेस्ट सेंटर में विजिट करके आपने 2 या 3 टेस्ट भी लिखे हैं ओएमआर शीट को भर भर के। सो यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई एम श्योर यू विल क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2024। एंड अगर आपको इसकी डिटेल्ड में एक आपको प्लान या मास्टर प्लान चाहिए, मैंने आपको ऊपर ऊपर से तो मोटा मोटा बता दिया, अगर आपको डिटेल में मास्टर प्लान चाहिए सो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग अ वीडियो एज सून एज पॉसिबल। आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज हिट द लाइक बटन, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, यूट्यूब बाबा को भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।